दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आप विधायक को रिहा करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें, राउस एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्ज शीट पर संज्ञान लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 1,00,000 रुपए के बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। इससे पहले 29 अक्टूबर को ईडी ने अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्ला खान के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र दायर किया था। ईडी द्वारा दायर 110 पेज के पूरक आरोप पत्र में मरियम सिद्दीकी का नाम भी शामिल था। हालांकि इस मामले में मरियम सिद्दीकी को आरोपित के रूप में गिरफ्तार नहीं किया गया था। बता दें कि खान को ईडी ने 2 सितंबर को उनके ओखला स्थित आवास पर लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में थे। अमानतुल्ला ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और साथ ही ये मामला हाईकोर्ट के समक्ष लंबित भी है। सीबीआई और दिल्ली पुलिस की 3 शिकायतों से जुड़ा है। ईडी ने मामले में दाखिल आरोप पत्र में 5 लोगों को आरोपित बनाया और इसमें अमानतुल्ला के 3 सहयोगियों जिशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी को शामिल किया गया था। ईडी ने कहा था कि ये तलाशी कर्मचारियों की अवैध भर्ती और 2018 से 22 के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे से जुड़ा है। इस दौरान अमानतुल्ला खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। वही साथ ही आगे आपको बता दें, अमानतुल्ला खान की जमानत पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को आज कोर्ट से रिहा कर दिया गया। हालांकि इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि पिछले टाइम से लगातार ईडी का एक्शन था उनके ऊपर और आज उन्हें रिहा कर दिया। अभी भी अभियुक्त हैं, कल भी अभियुक्त थे और कल भी अभियुक्त रहेंगे। बेल किसी भी अभियुक्त का अधिकार है, कानून अपना काम करता है, लेकिन ये प्रचारित करना कि उनको बेल मिल गई है या वगैरह वगैरह, तो ये हास्यप्रद है, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। वास्तविकता तो ये कि आपका अपराध क्या है और आपने किस तरह भ्रष्टाचार किया है, किस तरह अनैतिक काम किया है, वो सबके सामने। अभी संजय सिंह ने आरोप लगाया बीजेपी पर कि वो तो झूठे किस्सों में हमारे नेताओं को फंसाते हैं, लेकिन आज रिहा हो गए। मैंने बताया ना कि आम आदमी पार्टी का तो काम है चोरी और सीना चोरी, तो सब लोग चोर हैं, ये सबकी चोरियाँ पकड़ी गई हैं, भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई पार्टी है। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता जी। जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि फिलहाल अभी उन्हें रिहा किया गया है और साथ ही अब ये देखना बाकी है कि आगे का क्या कुछ रुख देखने को मिलेगा। फिलहाल इसमें ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से आज कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को जो रिहा कराया, उस पर अभी भी आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।